ऐश्वर्य जी धन्यवाद। आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं बड़ा ही संवेदनशील विषय है और संवेदनहीनता किसी भी पार्टी से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दो लाइंस मैंने लिखी हैं उस बेटी के लिए। मैं सबसे पहले वो बोलना चाहती हूँ कि आसमान से उतरी परी थी वो बेटी, इकलौती संतान, बुढ़ापे की लाठी, अपने पिता की जान थी वो बेटी, प्यार, त्याग, तपस्या, ममता की मूरत थी वो बेटी, माता का सम्मान और पिता का अभिमान थी वो बेटी। 9 अगस्त की रात को जब वो रौंदी गई, कुचली गई, तो वो उस फर्श पर लेटी हुई आंखों में आंसू लिए असहाय महसूस कर रही थी बेटी, असहाय महसूस कर रही थी वो बेटी। लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ पर सेलेक्टिव तरीके से बताया जा रहा है कि क्या क्या सुप्रीम कोर्ट ने आज बोला, टास्क फोर्स उन्होंने गठित करी। तो मैं ये भी आज पूरे भारतवर्ष को याद दिला देना चाहती हूँ कि कपिल सिब्बल जी आज बंगाल की सरकार को और उस पुलिस को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे जो आज सुप्रीम कोर्ट से फटकार खा रही थी, सीजेआई साहब से फटकार खा रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि प्रातः काल उस बच्ची के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई और प्रिंसिपल उसको आत्महत्या करार कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? यह बोला गया कि सुबह एक इतनी बड़ी घटना हो गई और लेट नाइट तक इस मामले में एफआईआर नहीं हुई। और ऐश्वर्य जी, जब एफआईआर हुई तो उस एफआईआर के अंदर ऑटोप्सी होने के बावजूद, इंक्वेस्ट इंक्वायरी होने के बावजूद मर्डर नहीं लिखा जाता है, अननेचुरल डेथ लिखा जाता है। और ये मैं नहीं बोल रही, अननेचुरल डेथ कपिल सिब्बल जी ने फ्लोर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बोला था। और ये भी पूछा था सीजीआई साहब ने कि ये बताइए आप कि इतना सारा मॉब जो जहां पर क्राइम सीन था फोर्थ फ्लोर में कैसे पहुंच गए? सोचने की बात नहीं है क्या यहां पर? मतलब कुछ गड़बड़ नहीं लगता है कि चौथी मंजिल के अंदर वो सेमिनार हॉल था जहां पर बंगाल की डॉक्टर पेटी के साथ दुराचार व्यभिचार करके उसको मारा गया, और उस फोर्थ फ्लोर में कोलकाता की पुलिस के रहते, पूरे प्रशासन के रहते हुए उस कॉलेज और स्ट्रोक हॉस्पिटल के लोग पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ मचा देते हैं। ममता बनर्जी स्वयं गृह मंत्री है, लेकिन ममता बनर्जी उस क्राइम सीन की सुरक्षा नहीं कर पाई। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, लेकिन ममता बनर्जी ने पूरा दिन लगा दिया, लेकिन उस मामले में एफआईआर नहीं होती है। और आज जब न्याय मांगने की बात आती है तो जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, कहां है लड़की हूं लड़ सकती हूं वाली प्रियंका गांधी, क्यों नहीं उन्होंने अपने 1 लाख के जूते पहने और निकल गई वो हाथरस की तरह कोलकाता की तरफ? नहीं निकली ना। जया बच्चन जी तो नहीं दिखाई देंगी, उनका इशू तो कुछ और ही रहता है, वो फ्लोर ऑफ द हाउस में कुछ और बोलती है। लेकिन ये बहुत शर्म की बात है। और बाय द वे, ये जो डॉक्टर बेटी की बात है, ये बंगाल की बात है, ये प्रत्येक नारी की बात है। और लॉकेट जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद आपको भी नोटिस भेजा गया है ना? यही कर रही है ममता बनर्जी, जो डॉक्टर बेटी के इंसाफ में खड़ा हो रहा है, फिर चाहे वो नेता हो, चाहे वो प्रतिपक्ष से हो, चाहे वो मीडिया से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, ममता बनर्जी ऑटोक्रेटिक राजा, एक निरंकुश शासक। लेकिन जरा बंगाल की सड़कों पर तो देखे, अपने प्रदेश को देखे लॉकेट जी, एक आपको नोटिस भेज के या कल किसी और नेता को नोटिस भेज के क्या होगा? बंगाल सड़कों पर है, बंगाल का युवा सड़कों पर है, बंगाल की माताएं बहनें सड़कों पर हैं। लॉकेट जी, सर कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? 10 करोड़ जनता बंगाल, वही मैं कह रहा हूं, 14 तारीख रात में पूरा बंगाल रास्ते के ऊपर, सड़क के ऊपर था, तो कितना लोगों को नोटिस भेजेंगे? करोड़ों करोड़ों लोग जो पुलिस स्टेशन में रखने का जगह होगा, विदाउट नोटिस हम लोग चले जाएंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, जो कोलकाता पुलिस ने जितना प्रायोरिटी सोशल मीडिया के दोनों आंख देख के खोज रहा है कि कौन कौन बेटी का नाम लिया, कौन कौन बेटी के लिए क्या क्या लिखा है, उससे बेटर था अगर उस दिन उस रात में इन्होंने एफआईआर दर्ज करी थी और उसके बाद इसको ये जो इसका विचार उन्होंने अगर तुरंत दे देते तो अभी तक ये जो तोड़फोड़ करके जो मिटाने का कोशिश कर रहे हैं ये नहीं होता। बिल्कुल ये नहीं होता। यू आर एब्सोल्यूट ले राइट। प्रीति पांडे, संजय सरकार आ रहा हूं, नाई जी आ रहा हूं, रत्नाकर त्रिपाठी जी आ रहा हूं, आई कैन सी यू सर नाउ, आ रहा हूं। शुरुआती में नाहिदा जी से सवाल पूछ रहे थे, नाहिद लरी खान से, प्रीति जी नाहिद जी, बहुत अच्छा हुआ कि मुझे जो इन्होंने ड्रामा किया कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, नाउ शी इज बैक, ऑडियो आ रहा है। क्योंकि अयोध्या में जो रेप केस हुआ है ना 12 साल की बच्ची का, आप जिन जिन लोगों का नाम ले रहे थे, डिंपल यादव जी का, जया जी का, ये लोग भी नहीं दिखते। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि आज उत्तर प्रदेश गए हैं राहुल गांधी, और जब उनसे सवाल पूछा जाता है बंगाल पे तो ये कहते हैं कि आप मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। उन्होंने मीडिया के खिलाफ ही वहां पे एक मोर्चा खोल दिया, उन्होंने कहा मैं किसी और मुद्दे पे आया हूं, बंगाल के मुद्दे पे नहीं बोलूंगा। बंगाल के मुद्दे पे बोलने पे भाई बहन दोनों को बहुत शर्म आती है, हम किस मुंह से बोलेंगे? क्योंकि लड़की हूं लड़ सकती हूं, बंगाल में नहीं लड़ूंगी। जो नाइजी यहां बैठ के इतने बड़े बड़े लेक्चर दे रही हो, इतनी बड़ी बड़ी बातें बता रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, पहले क्या हुआ, अरे भैया
जब अयोध्या आपके नेता नहीं गए और आज अगर उत्तर प्रदेश में कहीं भी जा रहे तो सबसे बड़ा सवाल तो प्रश्न चिन्ह आप लोगों के ऊपर है। आपका मुंह नहीं है कि आप ये बात बता सके और ये सवाल हम लोगों से पूछना ही नहीं चाहिए ऐश्वर्या कि ये लोग क्यों नहीं गए, ये मोइन खान को बचाने वाली टीम ये बंगाल कभी नहीं जाएगी। जो हाथरस गिर गिर के जाते थे, जो नोएडा एक्सप्रेस वे पे फोटो शूट कराते थे, एडवोकेट शाह आ रहा हूं, विधि शाह जी आ रहा हूं, और मुझे याद है कि टीएमसी के 7 या 8 सांसद महिला सांसद हाथरस के केस में भी गई थी। ये उत्तर प्रदेश में जब होता है तो ये छाती पीटते हुए वहां पहुंच जाते हैं सारे नेता सारे विपक्ष के, लेकिन बंगाल में कोई नहीं जाता। और जो ये ड्रामा हंसने वाला एक कार्टून वाला दृश्य दिखा हम लोगों को सड़कों पे कि ममता बनर्जी के खिलाफ सड़क पे थी, अरे भाई आप वहां की गृह मंत्री आप वहां की मुख्यमंत्री, दो ही चीजें हैं, या तो प्रदेश संभालिए या रिजाइन कर दीजिए। बात बात पे योगी जी मोदी जी का रिजिग्नेशन आप लोग मांगते हैं, आप खुद कब रिजाइन करेंगे? जनता तो आपसे ये पूछना चाहती है और पूछता है भारत में सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी के अगर ममता बनर्जी से नहीं संभलता बंगाल तो आप अपना इस्तीफा कब देंगी? नाहिद लहरी खान जी, अखिलेश यादव जी को, ममता दीदी को डिफेंड करने के बजाय सवाल पूछना चाहिए डिंपल जी को, जया जी को। नाहिद जी बोलिए, प्लीज टेल मी मैम। नहीं, अगर अब ऐश्वर्या जी मुझे अनइंटरप्टेड आप मुझे प्लीज बोलिए मैम, 45 सेकंड्स अनइंटरप्टेड टू यू, बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कृपया मुझे डिबेट से बाहर कर दीजिए, थैंक यू। मैं यहाँ माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि आपको भी बुरा लग रहा है और ये जो बीजेपी की तथाकथित कोई प्रवक्ता बैठी है पांडे जी उनको भी बुरा लग रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम, माननीय सुप्रीम कोर्ट से ऊपर ना आपका चैनल है और ना ये पांडे जी हैं, ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया देश का मुद्दा है, तो यानी जब देश का मुद्दा है तो क्या कर रही थी केंद्र की सरकार, क्यों नहीं इस मुद्दे पर अपनी चुप्पी तोड़ी, केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रही थी, क्यों नहीं डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की, माननीय सुप्रीम कोर्ट को नेशनल टास्क फोर्स एक एक करके एक एक करके, प्रीति जी इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू, एक एक करके 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 एक एक करके, थैंक यू। ये देखिए फिर एक एक करके आप अपनी बात रखिए, प्रीति जी काउंटर करेंगे, रत्नाकर जी आ रहा हूं, लॉकेट जी वापस, थैंक यू। एक एक करके बोलिए 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 बोलिए, आप अपनी बात रखिए, बोलने दिया आप अपनी बात रखिए, बोलिए, लेट योर व्यूज गो, आप बोलिए प्लीज। नहीं मैं तो जो अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से की कि आप लोग जो है वंचितों के काम के लिए सेवा के लिए पुनः काम पर लौटें, ये क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अभी तक अपील की? कई दिनों से डॉक्टर्स जो हड़ताल पर थे, आंदोलित थे, सड़कों पर थे, जो बीमार लोग हैं उनको नहीं देख रहे थे, इलाज नहीं कर रहे थे, तो क्यों नहीं केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? इसका स्पष्ट मतलब है कि सत्ता में बैठे लोग ना है ले, ये सरकार नाम की कोई चीज नहीं, नाकामयाब लोग हैं, इनको केवल राजनीतिक बयानबाजी करना, क्यों चुप्पी साधे रहे, क्यों नहीं डॉक्टर से बोला? और रही बात माननीय सुप्रीम कोर्ट के फटकार लगाने के लिए, जब तक मैं अभी तक जब तक आपसे डिबेट कर रही हूँ ना ऐश्वर्या जी, आज तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जंगल राज का तमगा किसी राज्य को नहीं दिया, जो उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार को दिया, कहा महिलाओं की स्थिति भयावह है, झकझोर देने वाली उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। ये तमगा, अब मेरा एक सवाल है जो मैं पहले टाइम से आपसे पूछ रहा हूँ, आपको ये बोलना है, आप ये कह रहे हैं कि यूपी इज वर्स देन बंगाल, ओके नहीं नहीं बिल्कुल दीजिएगा प्रीति जी, आप दीजिएगा रत्नाकर जी आ रहा हूँ, नहीं जी इम्पोर्टेंट बात, हाँ बोलिए जरूर बोलिए, इम्पोर्टेंट है बोलिए। आसाराम बापू उसको पैरोल दिलाने में मदद की बीजेपी सरकार ने, वो पैरोल पर बाहर है, और जो मुलजिम बाहर है तो जो पीड़िता शाहजहांपुर की पीड़िता उसके परिवार वाले वो डरे सहमे हुए अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। चिन्मय आनंद जो गृह राज्य मंत्री रहा भाजपा का, उसका जो है रेप का मुकदमा वापस ले रही है योगी सरकार, ये महिलाओं की बात करेंगे? अरे विश्व का सबसे बड़ा रेपिस्ट, मत करने दीजिए ना बीजेपी को, समाजवादी पार्टी करे। मेरा माइक निकल गया, मैं उसे ठीक कर रहा हूँ, इट्स ओके, मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक सेकंड प्रीति जी, प्रीति नॉट इन द मिडल, थैंक यू।